या मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये बसला पाहिजे किंवा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता या मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये स्थापन झाली पाहिजे म्हणून या पोलखोल अभियानाचं आयोजन केलेलं आहे. परंतु असं अजिबात नाही. पंजाब सिंध गुजरात मराठा राविन उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सीतर. पिछले 25 साल से मुंबई महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पिछले 2.5 साल से जो महाराष्ट्र को अनार्की की तरफ अराजकता की तरफ जो लेकर गए हैं उनकी पोलखोल करने के लिए ये मुंबई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे मुंबई में 227 वार्डों में ये पोलखोल अभियान किया जा रहा है. और उसी अभियान का एक भाग वार्ड नंबर 47 का पोलखोल अभियान आज था जहाँ पर वार्ड नंबर 47 की जनता के सामने हमने मुंबई महानगर पालिका के सत्ताधारी और महावसूली आघाड़ी सरकार की पोल खोल की है. सर, जिस प्रकार से सेना कह रही है कि इलेक्शन आ रहे हैं, महीने कहीं बीजेपी चाल चल रही है पोल खोल की, क्या कहना चाहिए? नहीं, बीजेपी चाल चलने का इसमें कोई, मैंने अपने भाषण में भी कहा, वक्तव्य में भी कहा, कोई एक पार्टी की सत्ता स्थापन करने के लिए ये पोल खोल अभियान नहीं है या किसी एक पार्टी का महापौर करने के लिए पोल खोल अभियान नहीं है. ये तो पिछले 25 साल से जिस प्रकार से मुंबईकर को उल्लू बनाया गया है, मुंबई का हर एक कोना कोपरा बेचा गया है, मराठी आदमी को मुंबई से किस प्रकार से बाहर निकाला गया है और मुंबईकर के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने इस पोलखोल अभियान की शुरुआत की थी. लेकिन अभी पिछले 20 दिनों में मुंबईकर जनता ने इस पोलखोल अभियान को अपने हाथ में लिया है और सामने बैठी हुई भीड़ को देखकर आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि सही मायने में मुंबईकर जनता ने इस पोलखोल अभियान को अपने हाथ में लिया. इस सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोले या सरकार के खिलाफ आवाज़ का भी छोड़ दो, अगर अपनी कोई बात भी अगर रखने की कोई कोशिश करे, ऐसे में आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ. एक नेवी के कैप्टन शर्मा जी थे जिनकी आंख फोड़ी गई, एक हीरामन तिवारी थे जिनका मुंडन किया गया, अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, मोहित भारतीय के ऊपर मॉब लिंचिंग का हमला हुआ, किरीट सोमैया के ऊपर हमला हुआ, तेजिंदर सिंह तिवाना के ऊपर झूठे केसेस डाले गए, नवनीत राणा रवि राणा के ऊपर झूठे केसेस डाले गए, पता नहीं आने वाले समय में और ये लोग क्या क्या करने वाले हैं. और इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र अराजकता की तरफ जा चुका है. महाराष्ट्र इज इन अ स्टेट ऑफ अनार्की. जब से मुंबई शहर में पोलखोल अभियान हमने प्रारंभ किया है, हर जगह पर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और सभाएं नहीं हो रही है तो हमारे जो मित्र है वे सारे के सारे ये पोलखोल की सभा न हो इसके लिए मानो जैसे कूद पड़े हो. कोई तो स्टेज के सामने आकर खड़ा होता है, कोई स्टेज ही बनाने नहीं देता है, तो कभी हमारे इस LED रथ पर पथराव किया जाता है. मुझे लगता है इस पोलखोल अभियान को जिस सफलता मिल रही है, सारी जनता ने इसे सर पर उठा लिया है, इसी कारण हमारे मित्र पक्ष की ओर से ये सारे व्यवधान डाले जा रहे हैं. बड़ी सफलता है, यानी जहाँ जहाँ पर मुंबई शहर में ये अभियान चल रहा है लोग बड़ी संख्या में ये भ्रष्टाचार की सारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं. देखिए, ऐसा है कि एक बात मैं शिवसेना की बड़ी मान लेता हूँ, जिस हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं शायद आज के शिवसेना के नेता इस हिंदुत्व को समझने में कम पड़ रहे हैं. हिंदुत्व ये किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है. इस हिंदुस्तान ये अकेला देश था जिसने कभी दुनिया पर आक्रमण नहीं किया. ये हिंदू सब समा लेते हैं और हम भी यही बात कहते हैं कि वो बाबरी ढांचा हमने नहीं गिराया तो सारे हिंदू समाज ने गिराया. और ये बात आज के शिवसेना के नेता समझ नहीं पा रहे. हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदुत्ववादी है बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हमारा जन्म ही हिंदुत्ववादी के लिए हुआ था, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताना पड़ रहा है, ये आपका दुर्भाग्य, आपको शुभकामनाएं देते हैं. कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुंबई के सभी वार्डों में जो पिछले 33 सालों से ये शिवसेना शासित BMC ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो मुंबईकरों के साथ में अन्याय किया है, उसका पोल खोल
ये मुंबई करों के सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण सभी वार्डों में जाकर कर रहे हैं। देखिए ये पोस्टर इसी बात का उदाहरण है कि आदरणीय बाला साहेब जी के बाद जो उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना ये हिंदुत्व से जुड़ी हुई पार्टी है, ये साबित करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। और अभी ये जग जाहिर हो गया है कि शिवसेना ये सोनिया सेना बन चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी सेक्युलर एक उन्होंने एक एक हिजाब जो सेक्युलर का पहना है ये लोगों के सामने उजागर हो चुका है। और अभी कहीं भी हिंदुत्व का एज भी उनके शिवसेना के अंदर कहीं कोई भी एंगल से नहीं दिखाई देता है, ये सभी युवाओं के सामने और मुंबई के सामने साफ हो चुका है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका को लेके हिंदुत्व का नाम ले रही शिवसेना सर? नहीं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनको पता है कि लोग अभी आपके भ्रष्टाचार से परेशान हो गए हैं, आपके ये हिंदुत्व चिल्लाने से लोग परेशान है कि आप एक तरफ हिंदुत्व का चोला और दामन पकड़ के बैठे हो और दूसरी तरफ आप सेक्युलर बनते हुए आप अलग अलग जो 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 हिंदुत्व के विरोध में जो लोग जाते हैं उनका समर्थन करते हो, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुल चुकी है। तो अभी उनको आम जनता को साबित करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्व की पार्टी है। बहुत नहीं है, हिंदूची भूमिका अपन पार पाडायला पाहिजे। नुसतं ते म्हणतात की आम्ही भारतीय जनता पक्ष पोलकोलचा प्रोग्राम घेऊन आम्ही आता लोकांना गुमराह करतो, तो तसं चुकीची समज आहे। त्यांना जर हिंदू धर्माचं एवढं असेल तर त्या हिंदू धर्मासाठी काय करतात हे लोक, त्यांनी त्याचं हे देवउदाहरण द्यायला पाहिजे ना, स्पष्टीकरण द्यायला पाहिजे। आजपर्यंत आम्ही हिंदू लोकांसाठी काय केलं, नुसतं हिंदू म्हणून बॅनर लावून होत नाही ना, हिंदूसाठी काय केलं हे बघायला। आणि जसं आम्ही साहेबांनी सांगितलं आहे, बाकी लोकांनी सांगितलं आहे, आम्हाला पूर्णपणे आठवतं आहे की भारतीय जनता पक्ष सोडून कुठच्याही पक्षातली लोकं कोरोनामध्ये खाली उतरलेले नाहीत। सगळे लोकं RSSचं जेवण आम्ही वाटलं आहे, आम्ही स्वतःचं किट वाटले, आम्ही सॅनिटायझिंग 5 लाखाचं घेऊन आपल्या फंडातनं वाचलं, मास वाटले, सगळं काय होईल तेवढं दिलं आम्ही। तर एक लास्ट क्वेश्चन मॅम, ते काय शिवसेना हिंदुत्व पार्टी आहे काय? नाही नाही, असं कसं होऊ शकतं? आम्ही मी मराठी आहे, मी पण हिंदू आहे, असं नाही आहे। आता ताई पांगे माझं रेकॉर्डिंग करतात, नाही नाही मी नाही त्याच्यामध्ये काय, मी आत्ता तुम्हाला ते स्पष्टीकरण दिलं आहे की नुसतं हिंदू म्हणून सांगून हिंदुत्वच नाही आहे, हिंदूसाठी तुम्ही काय करताय। जसं आमच्या मॅडम त्याचा पाठीमागे भारतीय जनता पक्षाच्या आहेत, मागे तुमच्या आहे, इथे केवढं तरी प्रॉब्लेम आहे लोकांना। जसं 1+1 घरं लोकांनी बांधून ठेवले राजनपाड्यामध्ये माझ्या एरियामध्ये, त्यांच्यासाठी आजपर्यंत आम्ही पत्र दिलं, जेव्हा बाउंड्री लेन बदली झालेल्या होत्या त्या लोकांनी आम्हाला पत्र द्यायला सांगितलं की बाउंड्री लेन तुम्ही बदली करून द्या, काय पाहिजे ते सांगा। आम्ही ते दिल्या की त्याच्यातलं आम्ही सांगितलेलं की गार्डन आहे, अजून आमच्याकडे 12 गार्डन आहेत माझ्या एरियामध्ये 47 किंवा शाळा आहेत। शाळा तर तुम्हाला माहिती आहे की महापालिकेचं काहीच होत नाही, माझ्याकडे ते 4 वर्ष लिबर्टी गार्डन शाळा तोडून टाकली, आजपर्यंत झालेली नाही। पण त्यांच्यासाठी घरासाठी काय करतात हे लोकं? 1+1 खालच्या लोकांना देतात आणि वरच्या देणार नाही, कायदा आणला आहे पण तो अजून कुठे याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट झालेला आहे? काहीच झालेलं नाही आहे। नुसतं हिंदू लोक सांगून, ह्या सगळ्या 80% राजनपाड्यामध्ये हिंदू लोक राहतात, त्यांच्यासाठी काय केलं? हिंदू तो क्या है, शिवसेना हिंदू तो केले क्या किया?